फ्रेंड, मैं हूँ कमर खान, एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुआ। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। आज का हमारा मौजू है कि जब कैसे पता चलेगा कि जो रिंग नेक ग्रीन रिंग नेक है यार, ये एग देने वाली है, एग्स पर हैं, एग्स देते हुए इनकी क्या कंडीशन होती है या इनकी क्या अलामत होती हैं, ये तोती अंडे देने वाली है या नहीं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा आज इन्फॉर्मेशन दूंगा, देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों से गुजारिश होगी कि मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करेंगे ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर वक्त पहुँचती रहे। अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि दोस्तों आज का टॉपिक है कैसे पता चलेगा एग देने वाली तोती। दोस्तों इसकी एक सिंपल सी कोशिश करूँगा। ये जो मेरा प्यारा, इसने तकरीबन एक हफ्ता हो गया, ये माशाल्लाह से पिछले हफ्ते भी इसने क्रॉस किया, दो तीन दफ़ा तो मैंने क्रॉस होते हुए खुद देखा है, वो जिससे मैं वीडियो नहीं बना सका जिसमें पूरी की वजह से। तो माशाल्लाह ये एग देने वाली जो फीमेल बैठी है, ये अनकरीब एक या दो दिन के अंदर इसने अंडा दे देना है। तो आपको बताना ये है कि जब ये एग देने वाले जो इनकी कंडीशन या इनके अलामत या क्या निशानी होती है, दोस्तों मैं आपको दिखाने, आपने गौर से देखना है, ये जो ऊपर फीमेल बैठी है इसकी जो बैक होती है, ये देख रहे नीचे आप, आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि इसकी बैक मोटी हो जाती है, जैसे कोई आम रूटीन में जैसे होती है उसमें उससे ना अलग हो जाती है, लेकिन मोटी है। नीचे देख रहे हैं इसको आम रूटीन में जोली भी कहते हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ, नीचे से आप देखते हैं कि ये आम रूटीन में बराबर होती है इसकी, लेकिन जब ये अंडा देने वाली होती है तो इसकी जो बैग है वो आम रूटीन से ज़्यादा मोटी हो जाती है। जो साफ तौर पर पता चल, जिस दिन इसने अंडा देना होता है उस दिन कुछ आम रूटीन से बहुत ज़्यादा आपको नज़र, ये देखते हैं आपको शायद नज़र आ रही होगी। इंशाल्लाह ये दो या तीन दिन के अंदर अंडा ले कर देगी, इसका मेल है। ये देख रहे हैं आप, ये और ये इसकी यही निशानी होती है कि ये ना नीचे से सूज जाती है इसकी जो बैक साइड होती है ना उसमें, क्योंकि इनके बैक साइड पे ही अंडा होता है। ये देख रहे हैं आम रूटीन से आप काट कर, ये देख रहे हैं साफ नज़र, क्लियर नज़र आ रही है आपको, ये नीचे लटकी हुई होती है इसकी जेल होती है ना, तो इसकी ये मेन निशानी तो यही है। इसके अलावा और कोई आप बॉक्स में आना जाना वो परिंदों का लगा ही रहता है, वो कोई अपना कन्फर्म या इतनी कोई कम्पिटेंट बात नहीं है कि बॉक्स में परिंदे बाज़ अवकात जैसे वाइल्ड होते हैं वो अपना वैसे भी बंदे से डरते हैं और अंदर चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं, वो कोई लाजमी इशू इतनी कोई वो नहीं है। लेकिन मेन चीज़ जो है ये आप देख रहे हैं इसकी बैक, ये देख रहे हैं आम रूटीन से अंकार होगी, इसमें सोलन टाइप हो जाती है, सूज जाती है जिसको ऐसे कह रहे हैं, बड़ी हो जाती है जी, इसमें अंडा होता है ना इस वजह से वो ना, ये देख रहे हैं आम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं अनकरीब हाजिर होऊंगा। तो दोस्तों से एक बार फिर रिक्वेस्ट होगी मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ अनकरीब हाजिर होऊंगा। कमर खान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।